खबर तो ये मिल रही है कि वैगनर चीफ अपने प्राइवेट जेट से पहुंचा है और उस पर लगे केस रूस ने वापस ले लिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वैगनर के सभी हथियार रूस की सेना के हवाले कर दिए गए हैं, तो निजी जेट से मिन्स्क पहुंचने का दावा किया गया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर जो केस दर्ज थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। वैगनर के हथियार सेना के हवाले कर दिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है बेलारूस से। ये बड़ी खबर क्योंकि बेलारूस ही वो जगह चुनी गई थी जहां पर बातचीत होनी थी, और ऐसे में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने की ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। खबर तो ये भी मिल रही है कि वैगनर चीफ अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचा है और उस पर लगे सभी केसेस वापस कर लिए गए हैं। इसके मायने ये हैं कि क्या ये समझौता होने के बाद एक बार फिर यूक्रेन युद्ध की आग में जलने वाला है। विद्रोह के बाद क्रेमलिन और वैगनर ग्रुप के बीच डील हुई है कि विद्रोह खत्म करने के एवज में वैगनर ग्रुप और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में नया ठिकाना बना पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पुतिन की सरकार और उनकी आर्मी वैगनर ग्रुप पर कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ऐसा होने पर बेलारूस के करीब जो नेटो के मुल्क हैं उनमें जबरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। पोलैंड ने अपनी सीमा की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी है और लिथुआनिया नेटो से डिमांड कर रहा है कि उसकी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा तगड़ी की जाए, क्योंकि उन्हें आशंका यह है कि बेलारूस से वैगनर ग्रुप उनके देश में हमला कर सकता है। विद्रोह के वो 12 घंटे अभी भी रूस के लिए एक ऐसा जख्म है जो सालों तक भरने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा था वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह 1917 की याद दिलाता है। रूस को तोड़ने की ऐसी कोशिश पिछले कई दशकों में नहीं हुई। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, विरोध की आग मॉस्को के करीब तक पहुंच जाती है, और ये विद्रोह उस प्राइवेट आर्मी का था जो यूक्रेन युद्ध में रूस की फौज के साथ लड़ रही थी। लेकिन अब वो फौज पुतिन के साथ नहीं है। विद्रोह खत्म करने, रूस की सड़कों पर मारकाट रोकने, अपनों की आपसी जंग में अपनों का खून बहने से रोकने के लिए पुतिन ने बहुत ही तेजी से फैसला लिया और पूरी की पूरी वैगनर आर्मी को रूस छोड़ने का मौका दिया, और अब येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बेलारूस की ओर रवाना होने लगे हैं। खबर ये भी है कि वैगनर ग्रुप के लिए बेलारूस के मगिलों में कैंप तैयार कर दिए गए हैं, जहां 24 वर्ग किलोमीटर में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रह सकते हैं। यानी अब वैगनर ग्रुप नेटो मुल्कों के बेहद करीब पहुंच चुका है। बेलारूस में वैगनर, नेटो में दहशत।